Hey, yeah. दोस्तों नमस्कार ये तस्वीरें अमृतकाल की है अमृतकाल आजादी का अमृतकाल लेकिन आजादी के 75 बरस में ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी जो मौजूदा वक्त में कमोवेश हर क्षेत्र के साथ हो चली है और उस पर सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर जो नया नियम बना दिया है उसमें दसवीं पास उन करोड़ों बच्चों की आंखों के सपने मर चुके हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस सपने को पालकर वह अपनी जिंदगी आगे जीने की तैयारी करते रहे अब सरकार बाकायदा पॉलिसीगत तरीके से उसे खत्म कर रही है क्योंकि सरकार चाहती है सेना का आधुनिकरण हो सरकार चाहती है इस देश में जितना पैसा सैलरी और पेंशन का चला जाता है सेना में भर्ती लोगों को लेकर वह पैसा अब कम हो जाना चाहिए सरकार चाहती है कि इस देश के युवाओं के सपने जो हैं वो शायद बड़ी तादाद में युवाओं के साथ जुड़े जरूर लेकिन उसकी उम्र उन्हें जिंदगी पालने के साथ ना जोड़ी जा सके और कल्पना कीजिए कि जिस देश के भीतर में एक करोड़ से ज्यादा युवा सिर्फ सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं उनकी जिंदगी का सपना होता है कि सेना में भर्ती हो जाए और सन 2000 तक अस्सी हजार नियुक्तियां सेना में हर बरस होती रही 2000 से लेकर 2014 तक औसत साठ हजार भर्तियां हुई और मोदी काल में यानी 2014 से 2022 तक चौवालिस हजार नियुक्तियां हर बरस हुई यानी नियुक्तियां घट रही हैं और उस पर से नई नियुक्ति को लेकर बड़ा सवाल यह कि दरअसल अब चार बरस के लिए ही हम आपको ले पाएंगे छियालीस हजार बच्चों को अगले 90 दिनों में भर्ती किया जाएगा जिनमें से तैंतीस हजार से ज्यादा बच्चे सिर्फ चार बरस की नौकरी कर पाएंगे बाकी बच्चों को आने वाले वक्त के लिए रखा जाएगा ट्रेनिंग के साथ लेकिन छियालीस हजार नियुक्तियों के साथ तैंतीस हजार बच्चे अगर चार बरस के बाद हर बरस रिटायर्ड होने लगे तो कल्पना कीजिए इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारों की तादाद होगी मुश्किल सिर्फ इतना भर नहीं है सरकार सेना के जिस आधुनिकरण की दिशा में बढ़ना चाहती है वह उसमें सबसे बड़ी रुकावट सैलरी और पेंशन को मानती है उसका मानना है कि अगर हम बजट बनाते हैं जो 2022-23 में लगभग सवा पांच लाख करोड़ का जो हमने बजट बनाया उसमें से ढाई लाख करोड़ रुपए तो पेंशन में चले गए और सैलरी में चले गए बाकी पैसे से आधुनिकरण कैसे होगा और फिर सरकार तर्क देती है कि दुनिया भर के दूसरे देशों में देख लीजिए जहाँ कितनी बड़ी तादाद में आधुनिकरण के लिए सेना के पास जो पैसा बजट के तौर पर जाता है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है तो हम पेंशन क्यों दें तो सरकार के अग्निपथ की तीन स्थितियां बहुत साफ हैं पहली बात जिस बच्चे ने जिंदगी में सपना संजोया कि हम सेना में शामिल होंगे उसके लिए सिर्फ चार बरस की नौकरी इंतजार कर रही है उस चार बरस के बाद उसे पेंशन नहीं दी जाएगी सरकार पेंशन से मुक्ति चाहती है तीसरी बड़ी बात इस दौर में सेना के भीतर का आधुनिकरण सैनिकों से हटकर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर कैसे लाकर खड़ा कर दिया जाए सरकार की पुली पॉलिसी इसी रास्ते चल पड़ी है तो क्या वाकई दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत अब एक नई सोच के साथ मोदी सरकार क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती है यह सच है या फिर यह खिलवाड़ है या फिर अमृत काल में विनाश काले विपरीत बुद्धि की परिस्थितियां हैं आइए जरा सरकारी कच्चा चिट्ठा और इस देश की तमाम आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को टटोल लें पहला सवाल एक जहन में तुरंत रखिएगा अगर पेंशन को सरकार को नहीं देना है तो इस देश के जितने भी सांसद जो चुनाव हार गए जिनकी जमानत जब्त हो गई जितने भी विधायक जो चुनाव हार चुके हैं जिनकी जमानत जब्त जनता ने कर दी उन्हें जितना पेंशन मिलता है समूचे देश में उससे कम पेंशन इस देश के सैनिकों को मिलता है और हारे हुए नेताओं को पेंशन बंद कर दिया जाए इस सवाल पर किसी विधानसभा में किसी संसद के भीतर कभी भी कोई आवाज नहीं उठी लेकिन सरकार पैसा बचाना चाहती है और उस बचाने के पैसे के साथ क्या क्या कर रही है और क्या होने वाला है इस गुस्से के भीतर उस हकीकत को जानने की आइए जरा कोशिश करते हैं कि सरकार की ये पॉलिसी ना भारत के अनुकूल है ना ही इस देश की सेना के अनुकूल है ना ही इस देश के बेरोजगारों की बढ़ती हुई तादाद में कोई राहत और रियायत दे पाएगी और ना ही जिस अग्निपथ की परिकल्पना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सुनहरे सुनहरे शब्दों में तमगों के समान इस देश के सामने फिलॉसफी रखी वह भी फिट नहीं बैठती है क्यों नहीं बैठती है इस सिलसिले को पहले यह भी समझ लीजिए जैसे ही हमने सांसदों के पेंशन का जिक्र किया उसी तर्ज पर एक अधिकारी ने जो सेना के साथ और सेना और सरकार के बीच तालमेल बैठाते हैं उनका एक काम कहना था कि दरअसल इसराइल में इस तरीके से चार साल की ट्रेनिंग दी जाती है उस चार साल की ट्रेनिंग में कोई वेतन नहीं मिलता है वो राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए हर युवा जो आठ अठारह साल का हो गया उसे दिया जाता है लेकिन फिर यहां पर एक दूसरी बात समझिए भारत के भीतर में जो इन चार सालों में जितना वेतन दिया जाएगा नौकरी करते वक्त उससे ज्यादा जेब खर्च इसराइल में दिया जाता है उन चार बरस की ट्रेनिंग के पीरियड में क्योंकि उसे नौकरी नहीं माना जाता है लेकिन जेब खर्च दिया जाता है तो इसराइल का जेब खर्च भारत में नौकरी करने के बाद के वेतन से भी कहीं ज्यादा है तो आप दुनिया से भारत की तुलना नहीं करें दूसरी बड़ी बात जब दुनिया के दूसरे देशों का जिक्र हुआ तो हमें लगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन के पास है तकरीबन इक्कीस लाख अस्सी हजार भारत की सेना की जो कैपेसिटी है वह चौदह लाख पचपन हजार है जिसमें से संतानवे पद खाली पड़े हैं अगला सवाल चीन जनसंख्या के लिहाज से और बजट के लिहाज से जितना खर्च करता है भारत उसकी तुलना में कितना कम खर्च कर सकता है यह आप सोच के हैरत में आ जाएंगे चीन खर्च करता है अपने बजट में रक्षा बजट में 122 लाख करोड़ भारत खर्च करता है 6 लाख करोड़ जो इस बार 2022 23 तेईस में पांच दशमलव एक तीन लाख करोड़ पर आकर टिक गया यानी लगभग पांच लाख करोड़ और वो करता है एक सौ बाईस लाख करोड़ उस तुलना में अमेरिका भी करता है बासठ लाख करोड़ हम कहा पर खड़े हैं यह खाली समझिए हम अमेरिका बनना चाहते हैं चीन बनना चाहते हैं या फिर हम नॉर्थ कोरिया बनना चाहते हैं जहां सबसे बड़ी संख्या उस देश की तुलना में और दुनिया के देशों की तुलना में उसकी अपनी जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ी है तकरीबन बारह लाख अस्सी हजार नॉर्थ कोरिया में सैनिकों की तादाद है लेकिन अगला सवाल यहीं से सबसे बड़ा निकलता है कि जो 17 से 21 साल को लेकर सरकार ने अग्निपथ की लकीर खींची है उसमें खुले तौर पर यह कहा है जो नियुक्तियां होंगी उनको रेगिस्तान में भेजा जाएगा उनको पहाड़ों पर नियुक्त किया जाएगा उनको समुद्र में भेजा जाएगा उनको हवा में भेजा जाएगा यानी जल थल वायु सेना के तीनों अंगों के साथ इन अग्निवीरों की नियुक्ति भी हो जाएगी यह भी ठीक है लेकिन ठीक इसके समानांतर आई है जो बच्चे सड़कों पर नजर आ रहे हैं चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो उनके दिल में क्या बीत रही होगी यह सिर्फ कल्पना इस बात से कर लीजिए कि एक हरियाणा का बच्चा जो जिंद जिले का आता है वह खुदकुशी यह सोच कर कर लेता है कि अब उसे नौकरी सेना में नहीं मिलेगी और हरियाणा ही वो जगह है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में लोग सेना में शरीक होते हैं हरियाणा ही वही जगह है जहां पर करगिल युद्ध के बाद जो शहीद सैनिकों के शव आ रहे थे गांव गांव में वो सबसे ज्यादा हरियाणा में ही आए थे फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के गांव में आए थे जो बच्चे सेना में शामिल होना चाहते हैं वह जिस आर्थिक परिस्थितियों से निकलते हैं वहां के परिवारों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को दसवीं के बाद पढ़ा भी सके इतना पैसा नहीं होता है कि वह हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ले जाकर उसको प्रोफेशनल बना सके ये एक लगा मसला है कि इस देश में प्रोफेशनल को लेकर भी अब नौकरी नहीं बच पा रही है बेरोजगारी जो है इस अमृत काल में सबसे ज़्यादा है असमानता अमृतकाल में सबसे ज्यादा है लेकिन सेना में नौकरी को लेकर गांव का कोई बच्चा अगर सेना में शरीक होता है तो उसके प्रति एक आदर का भाव पूरे गांव में आता है इसीलिए जब शहीद जवानों के शव गांव लौटते हैं तो पूरा गांव एकजुट होता है माता पिता को सांत्वना देता है कि आपने देश के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया लेकिन मौजूदा वक्त में अब जो नई दृष्टि है वो एक नौकरी की दृष्टि है वह भी अस्थायी नौकरी वह भी बेरोजगार होने की नौकरी वह भी रिटायर्ड होकर वापस घर लौटने की नौकरी दूसरी कल्पना कीजिए कि एक साल में जितना वेतन सरकार इन अग्निवीरों को देने वाली है उस वेतन से कहीं ज्यादा सांसद और विधायकों के पेंशन है बड़ी तादाद में सैकड़ों एम और एम हैं जो कई बार चुने गए कई बार जनता ने हरा दिया जमाना जब्त कर उनके जो पेंशन जब जोड़ते चले जाते हैं तो कईयों को पेंशन तो तीन तीन चार चार लाख रुपए मिलता है मिनिमम पेंशन जो है वो तकरीबन 25 से पैंतालीस हजार के भीतर उसकी कैटेगरी के लिहाज से है लेकिन प्रति महीने इस नौकरी में तीस से चालीस के बीच ही पैसा मिलेगा तो पैसा बचाने की जो सरकार की फिलॉसफी है वह गलत है सेना को सुदृढ़ बनाने की जो सोच है वह भी गलत है क्योंकि चार बरस में जब कोई शख्स शामिल होगा तो वो कहाँ काम करेगा इन्फेंट्री में काम करेगा कौन सी ट्रेनिंग के साथ वह युद्ध क्षेत्र में जाएगा अगर युद्ध की मुनादी हो गई और किसी अनुभवी सैनिक के साथ वो जा रहा है और कल को वो किसी अनुभवी सैनिक की जगह लेगा तो चार साल की ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो उसका उतना परिपक्व बना देगी जो दसियों साल काम करते हुए सेना के भीतर अनुभव को गिना जाता है वो भी मायने नहीं रखेगी तीसरी बड़ी बात यह है कि जो सैलरी और पैसे का जिक्र हो रहा है इसको इस रूप में समझिए कि चार बरस की जो नौकरी होगी पहले बरस में से जो तीस हजार वेतन मिलेगा उसमें से हाथ में आएगा इक्कीस हजार नौ हजार एक कॉरपोरस फंड होगा जो रिटायरमेंट फंड के साथ जुड़ जाता है जो इसे पेंशन हम लोग कहते हैं वो एक नया कॉरपोरस फंड बनाया गया है जितना कॉरपोरस फंड में पैसा जमा करेगा जवान पहले साल की नौकरी में दूसरे साल की नौकरी में तीसरे साल चौथे साल उतना ही मिला के सरकार चार साल के बाद दे देगी चार साल में वो जमा कर पाएगा लगभग पांच लाख सात हजार सरकार भी इतना ही दे देगी दे पांच लाख सात हजार और देगी और इंटरेस्ट वगैरह मिला के उसके हाथ में कुल ग्यारह लाख आएंगे जिसमें से पांच लाख सात हजार उसने अपनी नौकरी से जो पैसा उसको वेतन का था उसमें से कट के जमा हो रहा था यानी सरकार के ऊपर बोझ आया लगभग छह छह लाख का प्रति जवान अगला सवाल जब आप सालाना पैकेज जो सरकार इन सैनिकों को देगी चार लाख छिहत्तर हजार का है शुरुआती साल में और जब वो निकल रहा होगा तब वो लगभग छह लाख बानवे हजार का होगा इस पैकेज के आश्रय उसको अपनी जिंदगी को सहेजना है और पूरी जिंदगी के साथ आगे चलना है गांव में शादियां होती हैं कि बेटा जो है सेना में लग गया लेकिन जब यह पता चलेगा बेटा चार साल के लिए ही सेना में लगा है तो कौन अपनी बेटी देगा अब यह दूर की गोटी शुरू में ही हो गई लेकिन उसका अगला सवाल इस देश के भीतर में दसवीं पास छात्र जो दसवीं के बाद बारहवीं की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं हर बरस उनकी संख्या एक करोड़ से ज़्यादा की है वह एक करोड़ में से अगर आप ध्यान दीजिए जितनी बड़ी तादाद में हर बरस निकल रहे हैं और बीते तीन चार बरस से निकल कर आए हैं सबको जो मिला दीजिएगा तो सेना में भर्ती होने के लिए पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में तकरीबन डेढ़ करोड़ बच्चे सिर्फ सेना में भर्ती होने की मशक्कत ही करते हैं उनका भी रास्ता बंद हो गया अब उनकी नौकरी चार पहले बरस किसी का नहीं हो पाता है दूसरे बरस होता है बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका पहले बरस में नौकरी मिल जाए तो सत्रह से लेकर इक्कीस तक के इन चार सालों में जिन युवाओं को नौकरी मिलेगी उसमें इससे पहले का जो औसत निकाला गया वह तकरीबन साढ़े उन्नीस साल से बीस साल के भीतर मैक्सिमम मिला यानी शुरुआत में ही पहले दो साल नौकरी नहीं मिल पाती है अब इन बच्चों को जब नौकरी मिलेगी तो इनकी उम्र नौकरी की दो साल इन्होंने ट्रेनिंग में गुजार दी व्यायाम करते हुए दौड़ते हुए गांव के खेतों में भागते हुए छोटे शहरों के सड़कों पर दौड़ते हुए ये नज़र आते हैं जो सुबह सूरज उगने से पहले सड़कों पर होते हैं व्यायाम कर रहे होते हैं कि सेना में कल भर्ती होगी तो हमको छः मिनट में एक मील तक दौड़ जाना है छाती इतनी फुलानी है कूदना इतना है ये सारी मशक्क़त माँ बाप भी खर्च उस पर करते हैं वो एक लिहाज से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि सेना में भर्ती हो जाएगी तो सेना का सामान भी कुछ सस्ते में मिलेगा जो उसको जिंदगी चलाने के लिए काफी होगा जो राशनिंग होती है वह भी सस्ते मिल जाएगी लेकिन वह दरवाजा भी बंद क्योंकि सरकार पैसा व्यर्थ करना नहीं चाहती है वह तमाम जगहों पर व्यर्थ कर दे लेकिन यहां करना नहीं चाहती है शायद इसीलिए जो जिंद जिले के लुजवाना गांव का जो बच्चा है जिसने फंदा लगाकर रोहतक में सुसाइड कर लिया हमारे टीम ने जब पता लगाया कि उस परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां कौन सी हैं और वो सुसाइड तक क्यों पहुंचा, उसकी जिंदगी का सपना था कि वो सैनिक बन जाए सेना में शामिल हो जाए गांव में माता पिता को सम्मान मिलेगा उसको जो पैसा मिलेगा वो जिंदगी चलाएगा शादी करेगा घर में बहू आएगी माँ बाप इंतजार कर रहे हैं वह एक झटके में उसे लगा कि अब सिर्फ चार बरस के लिए और वह बच्चा पिछले एक साल से लगा हुआ था डेढ़ साल से लगा हुआ था कि सेना में भर्ती होनी है और दो बरस कोविड काल में जो भर्ती नहीं हो पाई उसके बाद उसके भीतर निराशा ऐसे हजारों बच्चों में भरी हुई है तो क्या सरकार की यह नीति बच्चों को सोसाइटी की तरफ तो नहीं ढकेल रही है क्या ऐसी परिस्थिति में इस देश के भीतर में पहली बार बेरोजगारी की परिस्थिति समाज में बढ़ तो नहीं जाएगी क्योंकि हर बरस तैंतीस हज़ार बच्चे जब रिटायर्ड होकर निकलना शुरू होंगे तो सवाल ये होगा कि जो चार बरस से नौकरी का इंतज़ार कर रहा है और चार बरस नौकरी करके जो बेरोज़गार हुआ है दोनों के भीतर असमान भाव तो नहीं होगा समाज के भीतर एक कटुता तो नहीं आएगी और जब वो हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लौटा होगा तो सामान्य बच्चे जो आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है ये ट्रेनिंग मिलेगी जब आप सेना में शामिल होंगे तो इसके बाद उनके भीतर का गुस्सा जो चार साल के बाद की जिंदगी जीनी है औस्तन उसके बाद पचास साल मिनिमम बचते हैं ज़िंदगी जीने के लिए और कोई रास्ता नहीं है तो क्या खेतों में काम करेगा इस देश की इंडस्ट्री में सबसे कम नियुक्तियां इसी अमृतकाल में हो रही है इस देश के भीतर में बेरोजगारी की परिस्थिति डिग्रीधारियों के साथ सबसे ज़्यादा इसी काल में है और वह तो दसवीं पास है वो कौन सा काम करेगा क्या सिक्योरिटी के लिए दरवाजों पर खड़ा हो जाया करेगा जिस लिहाज से देश भर में सिक्योरिटी कर्मियों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है अपार्टमेंट्स के बाहर सिक्योरिटी रहती है एटीएम के बाहर सिक्योरिटी वाला खड़ा रहता है अलग अलग बड़े बड़े रईसों के घरों के बाहर सिक्योरिटी वाले नज़र आते हैं क्या उस दिशा में चला जाएगा यानी कल तक गांव में सम्मान से देखा जाएगा कि ये सैनिक बन गया था अब देखा जाएगा अरे ये तो एक सुरक्षाकर्मी है जो कि छः हज़ार की नौकरी या पाँच हज़ार की नौकरी को में। कहीं सड़क पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसके आगे की स्थिति में अब निकल कर आइए जिसको लेकर सरकार ने आंखें मूँध ली हैं पैसा बचाना सरकार का, का काम है तो सरकार उस गवर्नेंस को छोटा करे जो गवर्नेंस कोई काम नहीं कर रहा है जो पेंशन सांसदों विधायकों को दी जाती है उसको भी कट कर लेंगे तो काफ़ी पैसा ना सिर्फ बच जाएगा बल्कि आने वाले वक्त में जो सैनिकों को पेंशन देना है वह रकम भी निकल जाएगी अगर सिर्फ पार्लियामेंट्रीज़ और एम के ज़रिए उन पैसों को डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया जाए तो अगली बात इस देश के भीतर में जो औसत भर्तियां होती रही उसमें हमने पता लगाया कि 17 से 21 वर्ष तक के जो युवा थे वह कितनी बड़ी तादाद में शामिल हो रहे थे एकूरेट नंबर उनका क्या होगा आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर में अस्सी हजार लोगों की जब नियुक्तियां होती थी उस समय जो लोग फॉर्म भरते थे सेना में अलग अलग जगहों पर दौड़ लगाने के लिए पहुंचते थे जो सेना का जहां पर भी भर्ती कैंप लगता था उस अस्सी हज़ार के लिए तकरीबन नब्बे लाख बच्चे जमा होते थे देश भर में और यह सिलसिला वो दो तक चला है उसके बाद 2014 तक जो साठ हजार औसत नियुक्तियां हो रही थी नियुक्तियां कम हो गई जो लोग शामिल होना चाहते हैं वह 90 लाख से बढ़कर एक करोड़ दस लाख हो गया उसके बाद 2014 हजार चौदह 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2019 के बाद से सेना का कोई कैंप उस रूप में नहीं लगा कोई भर्ती नहीं हुई है लेकिन इस दौर में जो चौवालीस हजार औसत भर्तियां हो रही थी उसमें सेना में भर्ती होने के लिए एक करोड़ पैंतीस लाख 2017 में मैक्सिमम गया यानी एक करोड़ पच्चीस लाख अगर आप औसत मानकर चलें जो ज्यादा ही है उससे इतनी बड़ी तादाद में इस देश के युवा नौकरी खोज रहे थे सेना में भर्ती होने के लिए आप उसको घटाकर एक अस्थाई लकीर खींच रहे हैं छियालीस हजार की जो रैंक मिलेगा सेना में भर्ती होने का यह कोई कमीशन या नॉन कमीशन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो रही है यह नियुक्ति हो रही है पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक इसको कहेंगे पीबीओआर और इसीलिए वो तीस से चालीस हज़ार के भीतर में रेंगेगा सरकार छियालीस हज़ार जो भर्तियां करेगी इसको लेकर माना जा रहा है कि अगले दस साल तक ये प्रयोग किया जाएगा इस दस साल में जितनी बड़ी तादाद में बच्चे रिटायर्ड होकर बाहर निकलेंगे उसका आंकड़ा देते हुए सरकार कह रही है कि वो रिटायर्ड जब होके निकलेंगे तो हमें उन्हें पेंशन देना नहीं पड़ेगा हमने निकाला कि आखिर अगर इनको रिटायर्ड ना किया जाए तो कितना ज्यादा पेंशन इनको देना पड़ेगा क्योंकि चार साल में भर्ती एक लाख छियासी हजार बच्चों की होगी अगर मान लीजिए इस अग्निपथ की पॉलिसी में चेंज ले आया जाए और कहा जाए कि अब आपको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा तो इस एक लाख छियालीस छियासी हजार लोगों को अगर नौकरी पर रखा जाता है तो इनको जो वेतन दिया जाएगा वह वेतन इस देश के भीतर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो रिटायर्ड होने के बाद पेंशन ले रहे हैं जो ए ग्रेड और बी ग्रेड के अफसर हैं उनका वेतन इनको जो पेंशन मिलेगी उससे लगभग दुगने से ज़्यादा है उनको मिलने वाले पेंशन से ज़्यादा है यानी पहली बात तो यह है कि सैनिकों पर ध्यान नहीं है पेंशन पर ध्यान है और पेंशन का जब तुलना पेंशन से हम करते हैं तो पेंशन पर भी जो व्हाइट कॉलर जॉब जिसको ब्यूरोक्रेट्स का जॉब कहा जाता है उनको पेंशन देने के लिए हम तैयार हैं उनके लिए हम कोई दूसरा उपाय नहीं लेकर आएंगे क्योंकि तो वह उस सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जिसमें आप मुख्य धारा में शरीक होते हैं आपको रेगिस्तान में नियुक्ति नहीं होती है पहाड़ पे नहीं जाना पड़ता है स्थल पर नहीं खड़े होना पड़ता है पानी में गोता नहीं लगाना पड़ता है यह एक वाइट कॉलर की नियुक्ति है और इसलिए पेंशन की तादाद सैनिकों की तुलना में इन ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन लगभग चार गुना ज़्यादा है जितनी बड़ी तादाद में भी सैनिकों की मौजूदगी इस देश के भीतर में तो यह बोझ नहीं पड़ेगा लेकिन सरकार व्यवस्था कर रही है कि अगले दस बरस तक जो हम नियुक्ति करेंगे कुल चार साल में नियुक्ति हो जाएगी एक लाख छियालीस हजार छियासी हजार उसमें से जो रिटायर्ड होंगे उनकी संख्या होगी एक लाख चालीस हजार रिटायर्ड हो जाएंगे जो बचेंगे छियालीस हजार उनको पंद्रह साल की नौकरी जरूर मिल जाएगी अब आप असल सवाल पे आइए जो इस देश का सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास रोज़गार नहीं है सरकार हाथ खड़ा कर चुकी है हम लोग लगातार निजीकरण की दिशा में जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की दिशा में जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट की तुलना में वन इस टू ट्वेंटी का रेशियो रखती है यानी बीस लोग अगर सरकारी दफ्तर में नौकरी पाता है या सरकारी पीएसयू में नौकरी आता है जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई जो उद्योग चल रहे हैं कंपनियाँ चल रही हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर में बीस बराबर एक होता है उस एक का वेतन यहाँ के लगभग छः वेतन के बराबर होता है ये डिफरेंस होता है यानी एक झटके में प्राइवेट में काम करने वाला एक व्यक्ति और दूसरी तरफ बीस की नौकरी चली गई तो सरकार ने अपने तौर पर जो रोजगार की परिस्थितियाँ इस देश के भीतर में खड़ी की उसमें तकरीबन अब जो निजीकरण और मोनेटाइजेशन को साथ लेके सरकार चल रही है उसमें तकरीबन छियानवे लाख नौकरियां सीधे सीधे गायब हो जाएंगी जिस दिशा में अलग अलग मिनिस्ट्री का निजीकरण सरकार कर रही है नौकरी छियानवे लाख इन चार साल का सिर्फ हम आंकड़ा बता रहे हैं चार साल में सरकार एक लाख छियासी हज़ार बच्चों को चार साल की नौकरी देने वाली है लेकिन 96 लाख नौकरी एक झटके में इस निजीकरण जो सरकार ने एक पाइपलाइन बनाई है मोनेटाइजेशन की उस पाइपलाइन के तहत जिसमें छः लाख करोड़ रुपया सरकार कमाएगी छियानवे लाख नौकरियाँ साफ़ हो जाएगी उसके ठीक समानांतर सरकार रेलवे को लेकर या अलग अलग विभागों को लेकर रोडवेज को लेकर पावर सेक्टर को लेकर इन सारी चीज़ों का जो प्राइवेटाइज कर रही है उसमें से लगभग छत्तीस हजार नौकरियाँ और चली जाएंगी सवाल तीन ही है सरकार किसके लिए है सरकार को बनाता कौन है और सरकार का काम क्या है सरकार का काम इस देश के लोगों को राहत रियायत और देश को आगे बढ़ाने के साथ लोगों के योगदान को जोड़ना है सरकार ने उसके निजीकरण और कॉरपोरेट को जो कौड़ियों के मोल चीज़ें ट्रांसफ़र की उसमें पहला मैसेज दिया हम कतई नहीं चाहते हैं कि सरकार अपने तौर पर कोई ज़िम्मेदारी ले वह चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सारी चीज़ें चलाए उससे हम पैसा जो लेना है ले लेंगे पहला मैसेज ये गया दूसरा मैसेज इस देश के भीतर में जो बेरोजगारी का आलम है तो ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कहां कैसे किस रूप में होना है सरकार को नहीं पता है सरकार इसीलिए जो आधुनिकरण की परिस्थिति में इस देश को जोड़ना चाहती है उसका पहला मंत्र यही है कि हमको इस देश के नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल पॉलिटिक्स के तमाम अंगों को वो गवर्नेंस के तौर पर हो पार्लियामेंट्रीज के तौर पर हो एमएलएस के तौर पर उनको कोई नुकसान नहीं होगा और इस देश के हजारों गांव हजारों शहरों में जो करोड़ों बच्चे हर बरस दसवीं पास के बाद सोचते रहे कि हम सेना में भर्ती होंगे सरकार जिस स्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर रही है अगला स्टेप उसका यह भी है कि जो चार साल की नौकरी चाहेगा उसको बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ छाती फुलाने और छः मिनट में एक मील दौड़ने से काम नहीं चलेगा उसके कुछ बेसिक टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होंगे उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग आप लेकर शरीक हुई है यानी वहाँ रोजगार बन जाए जो टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको ट्रेंड करेंगे लेकिन यहाँ पर जब पैसा ही घर में नहीं है और शारीरिक क्षमता और शारीरिक एक्सरसाइज के जरिए ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है वह स्थिति भी धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाए यानी इस देश के भीतर गरीब इस देश के भीतर का ग्रामीण जीवन में निक... सीमा पर तैनात रहने वाला जो सैनिक है उसकी ज़रूरत अब सरकार को लगता है नहीं है और शायद इस देश के अमृतकाल के वक्त में सबसे संकटकाल के तौर पर यह परिस्थिति उभर रही है इसीलिए जो गुस्सा नजर आ रहा है पूरे देश के भीतर में वह उनकी अपनी जिंदगी जीने की एक आखिरी लड़ाई है यह अग्निपथ किसके लिए है सही मायने में इस अमृतकाल का अग्निपथ है यह जहां समझना और उसके समाधान की दिशा में जनता को ही अपने दबाव से ले जाना होगा और सबको पता है इस देश का युवा जिस दिन सड़क पर आ गया सत्ताएं पलट जाती है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया